हाँ तो गाइस, आज के टाइटल टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि हर मैच में एक न्यू प्लेयर कैसा है, कैसे आता है और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है और अपने रैंक को पुश कर सकते हैं आप। तो फर्स्ट स्टेप है, आपको अपनी रैंक इधर नहीं दिखाना है, उसके लिए आपको कलेक्शन में जाना है और जब ये आएगा आपको बैनर में जाना है। बैनर में जाना है तो आपको इधर देखेगा शो माय रैंक, अगर आप इसको बंद करेंगे तो आपको आपका रैंक उधर शो नहीं होगा। उसका बेनिफिट ये है कि अगर आपका रैंक उधर शो नहीं होगा तो आपके तरह ही प्लेयर्स उधर नहीं आएंगे, मतलब आप डायमंड वन हो, आप डायमंड टू हो, आप प्लैटिनम हीरोरिक भी हो तो आपके पास न्यू प्लेयर्स आएंगे और आप उन्हें आसानी से मार सकते हैं। और सेकंड स्टेप है ड्रेस, आपको ड्रेस ऐसा रखना है जो गिफ्ट में मिला हो, जैसे मैंने इस ड्रेस को ख़रीदा है इससे और ये जो है वो भी मैंने उसी में ख़रीदा है और पैंट जो है मुझे मिला है। 7 डेज़ के लिए आपको ड्रेस ऐसा रखना है कि आप नूब भी ना लगे, फुल प्रो भी ना लगे, ऐसा ड्रेस आपको रखना है। तो मैंने ड्रेस ऐसा रख लिया है, अगर आप ज़्यादा नूब नहीं दिखना चाहते हैं तो आप कैसा भी ड्रेस रख सकते हैं, पर प्रो वाला ड्रेस नहीं रखना है आपको। और थर्ड स्टेप ये है कि आपको थोड़ा आपका बैनर ये जो भी होता है सभी थोड़ा नूब करना होगा, मतलब आप अभी एमोट और पेट चलता है, पर आप वेपन भी चलता है, व्हीकल बैकपैक सब चलता है, पर आपको ये जो आप इधर अवतार और बैनर को आपको थोड़ा नूब वाला रखना पड़ेगा। अगर आप इनको नूब रखेंगे तो आपके साथ पक्का नूब प्लेयर्स आएंगे। अगर ये वर्क हुआ तो आप लाइक वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कि आपके फ्रेंड्स भी ऐसे नए नए बक्स जान सके। अगर आप इस तीनों स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके हर गेम में न्यू प्लेयर आएगा। आप देख सकते हैं ये एंड्रयू है, एडम आया है और वो कौन सा कैरेक्टर पता नहीं। तो आपके हर गेम में एक न्यू कैरेक्टर, बहुत सारे न्यू कैरेक्टर आएंगे तो इनको मारने में आपको आसानी होगी। तो ज़्यादा प्रो प्लेयर नहीं आए हैं, दो तीन आपके लेवल के आएंगे तो ज़्यादा नहीं आएंगे। तो मैं उतर चुका हूँ पीक पे, तो आप देख सकते हैं न्यू प्लेयर आएगा, एक गेम प्ले देख सकते हैं आप। अभी देखिए, आप देख सकते हैं न्यू प्लेयर से आएंगे, क्योंकि मैं आपके साथ धोखा नहीं करूँगा। अभी देखिए, फुल न्यू प्लेयर है वो, मुझे मार भी नहीं सका वो, एक डैमेज भी नहीं दे सका, क्योंकि ये तीनों स्टेप फॉलो करने से आपको आपके पास हमेशा न्यू प्लेयर्स आएंगे। तो देखिए, मैं इनके साथ ही भाग रहा हूँ, फिर भी वो मुझे कुछ नहीं कर रहा है। अभी देखिए, इनके साथ मैं मस्ती कर रहा हूँ इधर मारने के बजाय। तो देखिए, ऐसे कर करके आप किल करके अपना रैंक पुश कर सकते हैं। अभी देखिए, एक भी नहीं मारा, सामने ही था मैं, फिर भी नहीं मार सका वो। तो देखिए, ऐसे करके आप अपने गेम में न्यू प्लेयर्स ला सकते हैं। तो गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, मैंने आपके सामने ही दिखाया कि कैसे न्यू प्लेयर्स को लाया जाए और न्यू प्लेयर्स आए भी।